नमस्कार, मैं सोनी ओझा, स्वागत है आपका NN24 न्यूज में। बढ़ते हैं आज की प्रमुख खबरों की ओर। नमस्कार, मैं सोनी ओझा, स्वागत है आपका NN24 न्यूज में। चलिए बढ़ते हैं झारखंड के खबरों की ओर। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के चौथे चरण में गोविंदपुर प्रखंड के सभी पंचायतों में मतदान होनी है, जिसे लेकर INN24 संवाददाता दिनेश कुमार ने उदयपुर पंचायत के ग्रामीणों से बात की, जहां ग्रामीणों ने पूर्व मुखिया के कार्यों पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि जनता सब जनता की है। इस बार के पंचायत चुनाव में उदयपुर पंचायत में विकास कार्यों पर मतदान होगी। पंचायत चुनाव है, बहुत सारे प्रत्याशी आते होंगे, आते हैं, किन मुद्दों को लेकर इस बार चुनाव करेंगे? जो विकास करे, ग्राम का विकास करे और घुसखोरी कम करे, और उसको लिख के देना होगा कि हम जीत के आएंगे तो हम माने एक को पैसा नहीं लेंगे और गांव का विकास करेंगे, उसी को वोट दिया जाएगा। उसमें सभी असंतुष्ट हैं, कोई खुश नहीं, सब लोग असंतुष्ट हैं। विकास का काम नहीं हुआ है पंचायत में? ना, कुछ नहीं हुआ है। गरीबों को आवास मिला है? कुछ लोगों को मिला है, कुछ लोगों को नहीं मिला है। जो वास्तविक गरीब गुरबा लोग, उसे जिसको मिलना चाहिए उसको नहीं मिला, जिसको मिलना चाहिए उसको नहीं मिला, जिसको नहीं मिला उसको मिल गया है। सड़क जल मीनार का क्या स्थिति है? वो निर्माधीन है, उसे अभी नहीं बना है, अभी तक नहीं बना। पाँच साल को मैं कार्य को मुखिया का कार्य से आप लोग खुश नहीं है? ना, काम हुआ ही नहीं धरातल में। धरातल में ऐसा नहीं हुआ जैसा कि सरकार का ये है, संविधान है, रीति रिवाज है, जहाँ वैसा नहीं काम। इस बार परिवर्तन के मूड में है वो तो आप पब्लिक है, सब जानती है। जी, समय पर जवाब दिया जाएगा।